हे गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे करेंगे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात और शेयर्स की बात विदाउट एनी बकवास। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डूडला डेयरी के बारे में, जो कि कल लिस्ट हुआ है, और इसमें हमें करना क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर जो आपने कल नहीं सेल किया है अपना आईपीओ का कुछ भी लॉट या कुछ होल्ड कर रखा है, तो क्या वो जस्टिफाई होता है? हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने अपने वीडियो में सुबह ही अपडेट कर दिया था, रात को भी अपडेट किया था। आपने नहीं देखी तो भाई आपने गलती करी, पर गलतियाँ करी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप देखेंगे कहाँ से। तो प्लीज़ गाइज, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स और जेन्युइन न्यूज़ हम लाते रहते हैं गाइज यहाँ पे। लेकिन आपने जो मिस कर दिया कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, जो आपने स्टॉक को रोका है उसको रोकने लायक है, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ दिखा सकता है 3 से 6 महीने में, 1 साल में, या लॉन्ग टर्म में हमें क्या इसमें अच्छा प्रॉफिट देख सकता है, इसको हमें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन गाइज, यहाँ पे वीडियो आप स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो बहुत सारी डिटेल आपसे हो सकती है मिस। तो प्लीज़ वीडियो को आराम से देखिएगा, एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हमने डूडला डेयरी के बारे में। तो गाइज़, यहाँ पे डूडला ने 28% की लिस्टिंग गेन देके 550 पे आज ये ओपन हुआ, और उसके बाद भी स्टॉक ने 14% का मोमेंटम दिखाया। इसने आज हाई बनाया अपना 652 रुपये का, उसके बाद अच्छी खासी बिकवाली के बाद ये आज 609 रुपये पे क्लोज हुआ है। अब इस वीडियो में गाइज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये आपको टारगेट, एंट्री पॉइंट, ये सब कुछ पता चलेगा। अगर जो गाइस हम वॉल्यूम की बात कर ले, तो देखिए 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक दिन का डाटा है, और प्लस ये एनएससी और बीएससी दोनों का डाटा है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एनएससी पे जाके लोग जनरली चेक करते हैं और वहाँ बोलते हैं सर आपने तो गलत बताया था, बट भाई यहाँ पे एनएससी बीएससी का ये दोनों का मिक्स डेटा है। 3 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, जिसमें से 81 लाख की डिलीवरी ली गई, 81 लाख 30% होता है ये। यहाँ पे लोगों ने डिलीवरी ली है भर भर के आज के ही दिन, मतलब लोग अपने डिविडेंड अकाउंट में लेके गए हैं। तो भाई स्टॉक अच्छा है तभी ले गए ना, बाकी स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम बात करेंगे वीडियो में आराम से। अभी हम देख लेते हैं उनको चार्ट पे। देखिए चार्ट पे बहुत कुछ तो मिलने वाला नहीं है, पर चार्ट पे हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? और एक बार देखिए इंडिकेटर्स, जब तक डेटा नहीं होता तो इंडिकेटर्स क्या दिखाएंगे, पर यहाँ पे हम थोड़ी सी एनालिसिस जो मिल सकता है हमें, हम वो करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। यहाँ पे अगर इस बात करूँ ओपनिंग के साथ, तो अच्छी खासी बाइंग आई है। आप देख सकते हैं नीचे के 2 कैंडल बहुत ही अच्छी बाइंग के साथ खुले हैं, ठीक है? तीसरा और चौथा, पर यहाँ पे बाइंग धीरे धीरे कम हो गई है, और ये कैंडल याद रखिएगा फिफ्थ कैंडल जिसमें हो गई है गिरावट। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कैंडल, ठीक है? फिफ्थ कैंडल में देखिए वहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आई है। ये 15 की कैंडल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने भैया बना लिया अपना आधे घंटे में ही हाई। उसके बाद देखिए जैसे सेलिंग आई है, एक रेंज बाउंड जोन में रह गए ये, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आई है बाइंग, और फिर से स्टॉक चढ़ गया है। थोड़ी सी सेलिंग कैंडल आप देख सकते हैं, बट से कोई फर्क पड़ा नहीं इनको, और ये फिर से चढ़ के बाइंग आते ही यहाँ देखिए चढ़ के बैठ गया ऊपर। फिर जैसे ये 640-645 के आसपास गया है, फिर इसमें देखिए अच्छी खासी सेलिंग आ गई, और उसके बाद हो गई इसमें गिरावट, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट जिन लोगों ने दिन भर वेट किया कि अब क्या करें, बेचें या निकल जाएं, क्या करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम से यहाँ पे लोगों ने एग्जिट मारा है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास ये शेयर्स पड़े थे, ठीक है? भाई इस टाइम रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक को मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे शेयर्स पड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं लिस्टिंग निकल जाते हैं सुबह, समझ नहीं पाते हैं, तो एंड होते होते उन्हें क्या लगता है कि भाई एक रेंज आ गया, समझ में आ गया, उन्होंने देख लिया और फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। जबकि मैंने सुबह ही आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू कल रात को भी यहाँ पे, ठीक है, मैंने वीडियो के थ्रू आपको बता दिया था क्या टारगेट हो सकता है, क्या लिस्टिंग हो सकता है। अगर जो यहाँ मिले तो आपको यहाँ बाई करना है, यहाँ मिले आपको तो आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, और अगर जो आपके पास आईपीओ पड़ा है तो यहाँ पे जाके आप सेल कर दीजिएगा। ये सब मैंने कल ही डिस्कस किया था। अब जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, भाई कोई बात नहीं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा, तो प्लीज़ गाइज ऐसे जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दिया करिए लाइक। तो गाइज यहाँ पे अगर जो इनके आरएसआई की बात कर ले, तो भाई आरएसआई बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएगा, बट लिटरली पूरे दिन का डेटा यहाँ पे दिखाई सकता है इंट्राडे के लिए, जो कि 67.25 है, ठीक है? 67.25 का मतलब है कि ये नियरली ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज बाइंग अच्छी खासी चली है, ठीक है? ट्रेडेड वॉल्यूम में, भाई आईपीओ वाले डे देखो होता है, ट्रेडेड वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंटेज 40 होना बहुत बड़ी बात होती है। जनरली आप किसी आईपीओ में ऐसा देखेंगे नहीं 30-32% का, 30% 25% 26% 10-12-12%। अगर जो 30-40% की डिलीवरी ली जा रही है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 होना, इसका मतलब ये भाई है ओवरबॉट जोन में। अगर जो थोड़ी सी और बाइंग आई तो 90% चांसेस यहाँ पे बनते हैं आरएसआई जो इंडिकेट करता है कि अगर जो 70 प्लस है तो ओवरबॉट है, मतलब
यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। लेकिन कई बार देखिए 80-85 तक भी चला जाता है यार, ऐसा नहीं है कि 70 जाते ही बिकवाली आ जाएगी, इसलिए 90% बोला है। मैक्सिमम शेयर ये करते हैं कि 70-72-73 तक जाते जाते फिर गिरावट दिखा देते हैं, और 30 के आसपास जाने के बाद जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया उसके बाद वहाँ पर बाइंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे गाइस चांसेस हैं थोड़े से बिकवाली के, पूरी तरह से इस बात को नहीं कह सकते हैं। कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, बिजनेस आपको पता ही है इनका, ठीक है, और ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब दूध दही आइसक्रीम ये सब कौन बंद करता है यार, रेगुलर की चीज़ें हैं, रेगुलर यूज़ की चीज़ें सबके घर में आता है, कहीं भी ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती। ऊपर से नाइन, ये सिर्फ साउथ बेस्ड है, नाम है साउथ बेस्ड में है हेडक्वार्टर उधरी साइड, बट लिटरली 9 स्टेट्स में इंडिया के, और एक्सपेंशन ये करने के प्लान में है। ऊपर से भाई इनकी मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में बताई थी, इनके रिटेल स्टोर्स और जो ये आइसक्रीम पार्लर्स हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट में हैं, काफ़ी अच्छी जगहों पे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न दे सकती है। अगर जो इनसे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के रिजल्ट की बात कर लूँ, जिस हिसाब से 4 साल का डेटा है इनके पास, अगर जो क्वार्टर वन का रिजल्ट उसके हिसाब से आना भाई, तो ये स्टॉक अभी 600 का है, आपको 800 के आसपास देखने को आसानी से मिल सकता है। और क्वार्टर टू की सिर्फ बात कर लूँ, अगर जो क्वार्टर टू में फाइनेंशियल्स ऐसे ही बेहतरीन उन्होंने दे दिए, जो कि दे देंगे क्योंकि अभी इनके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है, प्लस आईपीओ रेज किया है, तो भाई एक्सपेंशन भी अभी कर ही लेंगे। 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने का नहीं, 5 महीने का अप्रॉक्सिमेट, 4 महीने का मान लीजिए, क्योंकि अगले महीने से क्वार्टर का डेटा आना शुरू हो जाएगा, क्वार्टर वन का इनका थोड़ा लेट होगा अलग बात है, तो उसके बाद फिर 3-4 महीने का टाइम है ही है, तो 3-4 महीने बहुत होते हैं यार, अगर जो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन फिर से ना लगी कोविड के थर्ड वेव की वजह से। अगर जो कोविड के थर्ड वेव के बारे में आपको जानना है तो मैंने ITC और IRCTC दोनों का वीडियो अपलोड किया, ज़्यादा नीचे नहीं, आपको 3-4 वीडियो 5 वीडियो नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए कोविड के थर्ड वेव से क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट है, क्या हमारे पोर्टफोलियो पर असर पड़ेगा, सबको डिस्कस किया ITC और IRCTC दोनों वीडियो में। तो गाइस अगर जो वो सिचुएशन नहीं बनती है, लेकिन वो सिचुएशन बनती है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, बट यहाँ पे भाई 6 महीने में ये 4-डिजिट स्टॉक आराम से हो सकते हैं, मतलब 1000 रुपये का टारगेट अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लें यहाँ पे एंट्री की, भाई जो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डर के कि भाई आराम से, जो बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई ठीक है मेरे को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट और लॉस मुझे बिल्कुल नहीं बियर करना है, तो भाई वो 580 का वेट करें। अगर जो आपको 580-582 मिलता है तो बाई करें, वरना इग्नोर कर दें। और जो थोड़ा सा भी अग्रेसिवली चाहते हैं कि भाई मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकाल लूं या लॉन्ग टर्म के लिए जाऊं, तो भाई वो 609-610 के लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। अगर जो कल स्टॉक 620-625 पे भी है, ठीक है, तो आप 609-10-15 के आसपास आपको मिल जाएगा 2-3 दिनों में, क्योंकि भाई 2-3 दिन स्टॉक ट्रेड होता है और आसपास इसके रह जाता है। अगर जो बुलिशनेस मूवमेंट आई भी तो 1 हफ्ते बाद आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री जिनको लेनी है यहाँ लें, ठीक है, और जितना नीचे मिल जाए भाई उतना ही अच्छा है, बस ये आपको लेवल बता रहा हूँ मैं, और टारगेट मैंने आपको दे ही दिया है। और देखिए टारगेट श्योरली फाइनेंशियल्स अच्छे आने पे 110% ये करेगा, क्योंकि इनके प्रमोटर्स भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसका फायदा इस कंपनी को बेहतर तरीके से मिलेगा। तो गाइस अब यहाँ वीडियो करते हैं एंड, अगर जब कोई भी डिटेल नहीं समझ में आई, कोई भी इशू हो इसमें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे हेल्प चाहिए आपको मिलेगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।